again welcome to your own channel, that is aviclasses.com. So in that Avi classes we will provide you the easiest and the finest way to study the physics, and please stay tuned with me in that part as well as watch my video till the end. So before starting my today's lecture, I'm just requesting you to please subscribe my channel and like my videos. And if you find any of the difficulty in my previous lecture or in today's lecture, then please comment me on my email ID, that is aviclasses@gmail.com, or you can comment me on my channel also. I will be happy to assist you all, and please give me all your blessings so that I will be getting motivated by you people only. Okay, and bringing new methods and new innovative methods to teach you physics. Okay. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का, जो कि मोशन एंड डायनेमिक्स था, उसका आगे का पार्ट. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं उसको. ओके, तो आज हम करेंगे अपने उसमें इस लेक्चर के अंदर स्पीड, वेलोसिटी और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं स्पीड की. स्पीड आप सभी ने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि स्पीड क्या होती है. स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं. ठीक है, तो स्पीड जो है वो क्या है कि जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करें, ठीक है, टाइम के साथ, यानी कि डिस्टेंस चेंज हुआ टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्पीड. तो स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज एट पोजिशन. ठीक है, या किसी भी पोजिशन का चेंज होना टाइम के साथ, उसको क्या बोलेंगे, उसका स्पीड बोलेंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी ने देख भी रखा होगा. स्पीड को किसे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, s by t. ये आपने फॉर्मूला सभी ने क्लास नहीं पढ़ा रखा है. सपोज करिए कि मैं क्या कहते हैं उस पे गई स्कूटी पे, आई एम गोइंग, तो मैंने अपने घर से लेकर शॉप तक डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, तो इन टाइमिंग 1 आवर सपोज इट. ठीक है, 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, तो वैसे लगता नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ क्राउडी एरिया, तो आई एम जस्ट किडिंग. तो मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, तो वहां पर मेरी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना. तो वहां से मैंने अपनी क्या निकाली, स्पीड निकाली. इट मीन्स मैंने अपनी पोजीशन को टाइम के साथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो क्या निकल गया, स्पीड निकल गई. तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एट इन द पोजीशन इज नोन एज व्हाट, स्पीड. स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है आपके पास. स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, अब स्पीड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होती नहीं है. ठीक है, स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. स्पीड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई मिसाइल थोड़ा है कि हमने मिसाइल छोड़ा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, इट इज नॉट. तो स्पीड क्या है, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी. जहां पर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं करते तो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, आई नो कि मिसाइल जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलती है, लेकिन इट इज हैविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं. ओके, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ स्पीड, दैट इज नोन एज वेलोसिटी. तो स्पीड क्या है, स्पीड इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी. इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट सभी ने पढ़ा था, दैट इज मीटर पर सेकेंड. या फिर अगर हम बात करें और क्या हो सकती है इसकी, मीटर पर आवर भी हो सकती है, और यूनिट क्या हो सकती है इसकी, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, और यूनिट क्या हो सकती है इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है. यहाँ पे तो यूनिट्स का पिटारा है. ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ते रहते हैं, और ये यूनिट्स और ये डेरिवेशंस तो नहीं, इसके फॉर्मूलाज, इसकी यूनिट्स आपके जो है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक एनडीए, उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है, ये काफी चीजें आती है. तो साथ के साथ जो मैं बता रही हूँ, आप प्लीज पढ़ते भी जाइए, और मैं आपको साथ के साथ बताते भी रहूंगी कि जो चीजें जहां जहां इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में. 11th के लिए आपको पूरा पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ में जो कॉम्पिटेटिव टेस्ट में आते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी. तो यहाँ तक तो स्पीड की बात है. ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज ऑन स्पीड. और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम. और वो कैसी क्वालिटी है, स्केलर क्वालिटी है. उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर, और या फिर किलोमीटर पर आवर. उसकी दूसरी यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है. तो दैट इज नोन एज स्पीड. अब आती है बात हमारी वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, देखिए अब एक बच्चा आया भागा भागा, उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई कर दी. ठीक है, वो अपने पापा के पास क्या हुआ, उतर उतर भागा भागा आया. ठीक है, तो उसने क्या किया, एक उसके पापा कुछ दूरी पे बैठे हैं, आके रोता है, वही पापा मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा. भागते हुए जब वो आता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब वो भागता है
ठीक है, तो उसकी स्पीड तो है लेकिन क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो भागता हुआ आ रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, इट इज अ है तो स्पीड ही लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन किसमें, पोजिशन किसमें हो रही है, पोजिशन वेक्टर आप बोलोगे, पोजिशन वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है, तभी उसको क्या बोल रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बोल रहे हैं। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से डिनोट करते हैं, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ हमने किसके बारे में बात करी, डायरेक्शन के बारे में बात करी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब उसके पापा ने क्या किया, जब वो रोता हुआ बच्चा जा रहा था, उसके पापा ने कहते मम्मी की तो बुराई कर दी भाई प्लीज, अब तो पापा की खैर ही नहीं है, क्योंकि मम्मी ने सुन लिया तो पापा की खैर ही नहीं है, ठीक है। तो पापा ने डरते डरते उस बच्चे को बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, तो अब ऐसा है ना कि पापा को मरना थोड़ा ना है मम्मी के खिलाफ कुछ बोल के, तो वो पापा तो क्या करेंगे, मम्मी की भी साइड लेंगे, उस बच्चे की भी साइड लेनी पड़ेगी, जरे पापा ही भी जो फंस जाते हैं। यस, तो क्या है वो, क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है क्या, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर आवर, और भी यूनिट होती है इसकी, आइदर वी कैन से किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिट हो सकती है इसकी वेलोसिटी की। और अगर हम बात करें इसके बाद एवरेज स्पीड की, ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या है, सपोज करिए मैंने कहा कि मैं पहले यहां से जाती हूँ, अपने घर से बाहर निकलती हूँ स्ट्रीट के दूसरी तरफ कोने में, और मैंने कवर किया 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर उसके बाद मैं उससे आगे शॉप में जाती हूँ, मैंने फिर कवर किया 5 किलोमीटर, और वो जो पहले 5 किलोमीटर कवर किया था मैंने 1 आवर में किया था, और जो दूसरा किया वो भी हमने क्या किया, अनदर 1 आवर में कवर किया, तो वहां से मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी निकाल दी, 5 + 5 10 हो गया, और टाइम भी कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक्चुअल स्पीड ना होके हमारे पास क्या आती है, एक पर्टिकुलर स्पीड आती है टाइम के साथ, ठीक है, वो एक्चुअल स्पीड नहीं होती हमारी, हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करेंगे टोटल डिस्टेंस, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बताया, एक एग्जांपल बताया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का एक, अगर हम एक ट्रिक ट्रिकी मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूलाज हैं कि अगर हमारे पास मान लो दो डिस्टेंस हो, ठीक है, दो डिस्टेंस हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, अगर एक डिस्टेंस है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। अगर डबल डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो उस केस में हमारे पास जो एवरेज स्पीड आती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू 2d बाय, ठीक है, क्या आती है, 2d बाय डी 1 by v1 + 1 by v2, डी से डी कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 2 by 1 by v1 + 1 by v2, और यहां से हमारे पास आएगा 2v1v2 by v1 + v2, ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है जब आपके पास क्या होती है, डबल डिस्टेंस हो, ठीक है, डबल डिस्टेंस हो लेकिन सेम हो आपकी, ठीक है। तो उसके इसमें हमारे पास ये आती है, ये आई कैसे, क्योंकि हमारे पास सपोज करिए दो बॉडीज हैं, ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं, पर्टिकुलर वेलोसिटी v1 से जा रही है, ये v2 से जा रहा है, इसका डिस्टेंस v1 है, इसका डिस्टेंस d2 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल कर देंगे इसको, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम टी में जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, एवरेज स्पीड तो यहां से कितना होगा, d1 + g2 / t1 + t2 हो जाएगा, t1 + t2, ये तो आपको पता है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस के फॉर्मूले से, स्पीड के फॉर्मूले से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो यहां से हम निकालते तो कितना आएगा, d1 + d2 / d1 / v1 + d2 / v2, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सिंपली दो उसका ऑब्जेक्ट का, अब जब हमने क्या निकाली, एवरेज स्पीड निकाली। और अगर हमारे पास डबल डिस्टेंस है तो डबल डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, 2d हो जाएगा डबल डिस्टेंस के केस में, और यहाँ पे क्या आ गया, d / v1 + d / v2,
इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, टू वी वन बी टू बाय वी वन प्लस बी टू। अगर ऐसे हमारे पास थ्री डिस्टेंस आ जाए तो उस केस में बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास थ्री वी वन बी टू वी थ्री बाय वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री, वी टू वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कितने के लिए, तीन डिस्टेंस के लिए। ओके अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है इन चीजों के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, ठीक है, बिल्कुल एकदम से हो जाए। इंस्टेंटेनियस के नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्टेंट एट द मोमेंट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज एट द मोमेंट, एक ही दम से हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उस ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और किसी ने पूछा कि आपकी स्पीड जो है इन बिटवीन, सपोज करिए कि हमने सोनीपत से दिल्ली जाना है और सोनीपत से दिल्ली तक का स्पीड हम बता सकते हैं कि वो जहां से चला और स्पीड वहां तक कितनी आई, लेकिन इन केस अगर कोई पर्सन जो आपका ड्राइवर है उससे ये पूछ ले कि आपकी पहले सेकंड के अंदर कितनी स्पीड थी, ठीक है, या फिर 5 सेकंड में कितनी स्पीड थी, तो वो पर्सन उसको नहीं देख के बता पाएगा। ठीक है, वो कब बता पाएगा, जब उसके सामने क्या होगा, ऑडोमीटर होगा। ठीक है, ऑडोमीटर का काम क्या है, डिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है, या स्पीड को, हम स्पीडोमीटर भी बोल सकते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है। अगर डिस्टेंस पूछा है तो ऑडोमीटर से हो जाएगा, स्पीड पूछे तो स्पीडोमीटर से हो जाएगी। तो क्या हुआ, वो पर्सन उस दूसरे पर्सन को उस केस में नहीं बता पाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम के अंदर, ठीक है, या कितनी स्पीड से वो चला इतने टाइम के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी जर्नी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। इंस्टेंटेनियस के केस में हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को छोटे छोटे स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि इतने 1 सेकंड के अंदर हमारी इतनी स्पीड थी, 2 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड थी, 3 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड थी, ताकि कोई अगर पूछ सके तो हम क्या कर सकें, बता सकें कि हमारी 1 सेकंड में इतनी स्पीड थी, सेकंड में इतनी स्पीड थी। ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, इंस्टेंट, और वी कैन से इट इज एट द मोमेंट। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखे तो वो क्या होगा, वेलोसिटी विच गिव्स, इट इज गिवन, वेलोसिटी विच गिव्स। अब इंस्टेंट है ना, इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है, विच गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू। किसकी एग्जैक्ट वैल्यू देगा वो, किसकी एग्जैक्ट वैल्यू, स्पीड की या डिस्टेंस की, जिसके बारे में पूछ रखा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू किसके अंदर, एट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हो गया आपका, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। यहाँ पे dx और dt क्या है, डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉलर टाइम के अंदर हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट हमेशा कैसे करते हैं, मैथमेटिकल केस में डिवीजन जो होती है वो डिफरेंशिएशन से होती है, और अगर एडिंग हो तो वो किसमें होती है, इंटीग्रेशन में होती है। अगर छोटे पार्ट को वो करना है, मेजर करना है, दैट इज इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन, और अगर बड़े पार्ट को मेजर करना है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था हमारे पास वो होता है v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। यहाँ पे dx बाय dt क्या है, डिफरेंशिएशन है x के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ डेल्टा x बाय डेल्टा t का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ डिस्टेंस इन स्मॉलेस्ट टाइम, इट मींस फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे और फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी, पहले एक रूल्स के बारे में बताती हूँ। कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, पहला है d बाय डी एक्स रेस्ट पर n। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन के केस में कोई भी पावर का फॉर्मूला आता है, पावर में कोई वैल्यू आती है, तो उस केस में आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सपोज करिए आपके पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 2, तो उसको कैसे करेंगे, उस केस में क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्मूला क्या लिखा, एन एक्स रेस्ट पर एन माइनस 1,
ऊपर वाली पावर को आगे लाइए, उस पावर में से एक वन को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास, 2x रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए, 10 के लिए, कितनी वैल्यूज आ सकते हैं उसके लिए कर सकते हैं, ये मैंने n के लिए आपको बता दिया है। सिमिलरली अगर किसी कांस्टेंट टर्म के लिए आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, सपोज के लिए 5 है, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, इसके लिए कोई आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हमारे पास ना तो कोई वेरिएबल है जिसके लिए हम निकालें डिफरेंशिएशन। और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज साइन थीटा जो है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कॉस थीटा। ये आपको वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी और 12th क्लास के अंदर आप इसका मैथ्स का चैप्टर देखेंगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है, और इंटीग्रेशन दोनों पार्ट का देखेंगे। फिजिक्स में सिर्फ आपको ये लर्निंग करनी है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा के बारे में बात करें तो वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसे डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा के बारे में बात करें तो कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हमने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ फॉर्मुलाज बताए हैं डिफरेंशिएशन के, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। आप इसके बारे में एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है, सपोज करो हमारे पास ये बोल रखा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 2t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है, ये दे रखा है, देन फाइंड द वेलोसिटी एट, देन फाइंड द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2 मीटर, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के लिए, सॉरी 4 सेकंड लगा लीजिए, 2 सेकंड लगा लीजिए, मर्जी है, 2 सेकंड के लिए, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एक टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि एक इंस्टेंट टाइम है कि 2 सेकंड के लिए आपको करना ही है, तो आप क्या निकालोगे इसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx / dt। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ एन था, ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं, 2 × इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 3 आगे इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3⁻¹ ये हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो कितना हुआ, 2t 2-1 प्लस 4t के बाद 1-1 ही हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 0, 1 और 2 केस लग गया ना हमारे इसमें, तो कितना आया, 6t² प्लस 2t + 4 ये आ गया। अब कितने टाइम के लिए बोल रखा है इसने, 2 सेकंड के लिए, यहाँ पर t इज इक्वल 2 सेकंड पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 × 2² प्लस 2 × 2 + 4 कितना आया, 6 × 4 + 2 × 2 + 4 24 + 4 + 4 कितना हो गया, 24 + 4 28, 28 + 4 कितना हो गया, 28 + 4 32, आपके पास आ गया 32 m/s। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। एक और सिमिलर में अगर आपके पास टू क्वेश्चन टू टाइमिंग्स दे रखे हो तो उस केस में क्या होगा, आपके पास आपको वो निकालना है उसका क्वेश्चन टू टाइमिंग्स के लिए। ठीक है, वो देखते हैं, यही वैल्यू ले लेते हैं, सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइमिंग टू हो जाएंगे, आपको वेलोसिटी ही निकालनी है दो टाइमिंग के लिए। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड से टी इज इक्वल टू 4 सेकंड के लिए दो टाइमिंग है, अब दो टाइमिंग हो गए तो उसमें कभी भी इंस्टेंटेनियस नहीं निकल सकता। ठीक है, उसमें हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, xf - xi / tf - ti। ठीक है, अब पहले इसमें 2 पुट करिए, फाइनल कितना है, 4 है, पहले 4 पुट करिए, 2 × 4³ + 4³² + 4 × 4 + 4 - ये एक आ गया। अब इनिशियल इनिशियल कितना आपके पास, 2 के लिए वैल्यू पुट करिए, 2 × 2³ + 2² + 4 × 2 + 4 / टाइम कितना है, फाइनल 4 इनिशियल 2, तो कितना हो गया, 2 × 4 = 16 64 हो जाएगा यहाँ पे, +16 + 16 + 4 ये आ गया आपके पास, माइनस यहाँ कितना आ गया, 2 × 8 + 4 + 8 + 4 डिवाइड बाय 2, 4 - 2 = 2। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, हमने सॉल्व करिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × 64 4 × 8 6 × 12 +16 + 16 + 4 - यहाँ कितना आएगा आपके पास, 16 + 4 + 8 + 4
इसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो आपको इसमें आ जाएगा इन द मिरर पर सेकेंड, जो भी आंसर आएगा आपके पास तो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, इसकी टाइम वेलोसिटी निकाल दी दो टाइम्स के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर डालते रहिए, ताकि हम अपने चैनल को बढ़ाते रहें और आपके लिए कुछ नया हर रोज लेकर आते रहें। इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगी शुभ रात्रि, थैंक यू।